घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। बहुत ही मशहूर गजल है मोमिन खां मोमिन की, आपने सुनी होगी ये, और बहुतों ने गाई है इसे, लेकिन जो ओरिजिनल गाई है वो मलिका या गज़ल बेगम अख्तर ने गाई है इसे। तो ये जो धुन अभी आपने सुनी ये उनकी नहीं थी, उनकी अगर आपने धुन सुनी हो तो वो कुछ यूं है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। तो ये दूसरी धुन जो थी वो क्या था? तो यही मेरा आज का टॉपिक है, आप सभी को यही मैं बताना चाहता हूं कि संगीत मतलब सृजन करना होता है, कुछ नया बनाना होता है, अपना दिमाग लगा के, उपज अंग लगा के कुछ। ये वो कला है जिसमें हर पल कुछ नया बनता है। शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसके मानी ही यही होते हैं कि उसमें कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, बाकी सब उपजंग होता है। यानी कि वो जो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं उसमें भी सिर्फ एक पोएट्री होती है, एक ख्याल है। अगर हम छोटे ख्याल की बात करें या बड़े ख्याल की बात करें तो उसमें कुछ शब्द हैं जो एक फिक्स हैं, बाकी सब जो है वो उपज है। आलाप तान उसका जो स्वरूप आपके सामने है, बस वो एक निश्चित स्वरूप है, उसके अंदर आपकी उपज है। तो जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है व्यक्ति, मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि उसका मकसद संगीत सीखने का सृजन करना होना चाहिए, न कि जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं उनको गाना। मैं ये नहीं कहता कि आप बेगम अख्तर को ना गाएं, ग़ुलाम अली साहब को ना गाएं, या जो पुराने गीत गज़ल हैं उनको ना गाएं, लेकिन ये भी साथ साथ अपने जहन में रखें कि नया सृजन कैसे किया जा सकता है। धुन बनाना, जब हम कोई धुन बनाते हैं तो उसके पीछे क्या हमारा फलसफा होता है, क्या फिलॉसफी होती है, कि क्या सोच के हम उस धुन को बना रहे हैं। जो शब्द जो हमसे कहते हैं, जो शब्द के मानी हम समझते हैं, हमको जो लगता है कि ये शब्द जो है ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, इनके पीछे ये फिलॉसफी है, ये विचार है जो ये शब्द प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई गज़ल है, कोई गीत है, कुछ ठुमरी है, कुछ भी है, जो ख्याल है कोई, तो वो जो कहते हैं हम उस अनुसार धुन सिलेक्ट करते हैं। हमको लगता है कि ये राग होनी चाहिए क्योंकि इसका भाव जो है वो इसके भाव से मेल खा रहा है, तो हम वो उस भाव में उसको बना देते हैं। तो बस यही तो काम है सृजन का। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि यार ये वाली जो गज़ल है ये तो उनकी गाई हुई है तो हम एज इट इज़ वही गाएं। हो सकता है आप उस गज़ल को उठाएं, आपको लग रहा है कि नहीं इसके मानी तो मुझे कुछ और नज़र आ रहे हैं मेरे जहन में, इसको मैं किसी और अंदाज़ में बनाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये काम हमारे चैनल पे खूब हो रखा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम ऐसी ऐसी गज़लें, ऐसे ऐसे गीत जो कि ऑलरेडी गव चुके हैं उनको गाते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। शुरुआत हमने करी थी एक कागज़ की कश्ती एक बारिश का पानी, उस गज़ल से जो कि सुदर्शन फाखर साहब का लिखा हुआ है और जगजीत सिंह जी ने उसको गाया है, धुन दी है उसकी, कि उनकी तो एक कागज़ की कश्ती एक बारिश का पानी, कि वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी उन्होंने इस धुन में गाया। तो उन्होंने इस गीत में, इस गीत ही कहेंगे, उन्होंने गीत अंग से गाया है उसे, तो उन्होंने इसमें ये देखा कि एक बहुत वक्त बीत चुका है और हम बचपन को याद कर रहे हैं कि वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, हम उसको याद कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा उसमें सैडनेस रखी है, हल्की सी मेलनकली है उसमें, है ना, ग्लूमीनेस है थोड़ी सी, कि थोड़ी उदासी उसमें नज़र आ रही है। तो लेकिन जब मेरे पिताजी ने इसकी धुन दी तो उन्होंने उस गीत में एक नया फलसफा देखा, एक नया आइडिया देखा, उन्होंने देखा इसमें बचपन की खुशी है, तो उन्होंने उसको रिदम तेज रिदम में बनाया, उन्होंने कुछ इस प्रकार बनाया था। वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, और थोड़ा रिदमिक उसको रखा। तो ये अलग अलग फलसफे हैं जब आप उस गीत से निकालते हैं,
निर्भर अब उस पर करता है उस गीत की प्रसिद्धि कि ऑडियंस को कौन सा टेस्ट पसंद आ रहा है, ऑडियंस को कौन सा टेस्ट मैच कर रहा है, कौन सा टेस्ट उनको रिलेट कर रहा है, उस टेस्ट को वो पसंद कर लेते हैं। वरना आप देखें तो वो गजल है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सलीम कौसर साहब की गजल है, उसको मेहदी साहब ने भी गाया है, जगजीत साहब ने गाया, गुलाम अली साहब ने भी गाया, तो नुसरत फतेह अली खां साहब ने भी गाया है, और अलग अलग धुनें हैं सबकी। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सब अपने अपने फलसफे देखते हैं उस धुन में, तो नई धुन बनाना कोई गलत बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये कैसे कर दिया आपने, ये गजल तो उनकी गाई हुई, आपने कैसे धुन बदल दी, ये गीत तो उनका लिखा हुआ है, आपने कैसे धुन बदल दी। धुन बदलना कोई गलत काम नहीं है, तो संगीत का यही तो काम है। अगर मैं ये कहता हूं कि बहुत फेमस फेमस जो ख्याल हैं, अगर हम हिमपलासी का जा रहे अपने मंदिर वा जो है मंदिर अगर मैं इसकी धुन जा रे अपने मंदिर रे अगर ये कर देता हूं तो क्या ये गलत होगा? तो संगीत की दृष्टि से देखें तो नहीं, ये गलत नहीं है। हम धुन बदल सकते हैं क्योंकि संगीत में काम वही हो रहा है। आप जब उस ख्याल को भी गाते हैं तब उसको एज इट इज वैसी ही वैसी लाइन हर बार नहीं गाते हैं, यू डू वेरिएट, आप वेरिएट करते हो उसमें, है ना, आप वेरिएशंस लाते हो, आप धुनें बदलते हो और नई नई चीज़ें करते हो। मगर हाँ, खैर ये बात अलग है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सुन चुके हैं, गाते आ रहे हैं वर्षों से उसमें, तो लोगों के माइंड में एक वो बना हुआ है कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है। तो जब आप उसको थोड़ा चेंज कर देते हो ना, जब लीक से हटके चल देते हो, तो लगता है लोगों को यार ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, ये थोड़ी हो सकता है, ये तो ऐसी ही होनी चाहिए थी चीज़। मगर ऐसा नहीं है कुछ, आप उसको बदल भी सकते हो, यू हैव दैट पावर, संगीत ने आपको वो शक्ति दी है, सृजन करता है, आप संगीत में नया बना रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं, धुन में बदल सकते हैं धुन को, आपको वो शब्द अलग धुन में गाने आप अलग धुन में गा सकते हैं। एक ही भजन है, उसकी किसी ने अगर क्या नाम है, अनूप जलोटा साहब ने अगर अलग धुन में गा दिया है तो किसी ने उसको अलग धुन में भी गाया है, है ना, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इनको इस भजन को उन्होंने अलग धुन में गाया, तो मेरे गुरुजी जो हैं दादा गुरु मेरे, उन्होंने अलग धुन में गाया, तो ये चीज पॉसिबल है, आप कर सकते हैं इसको। बिल्कुल भी आप ऐसे ना करें कि ये तो कैसे पॉसिबल है, और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आप उसे। क्रिएटिविटी में एक्सेप्टेंस लोगों में नहीं हो पाती है, बिकॉज क्रिएटिव मतलब क्या, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ हटके, तो उसमें क्या होता है, वो हटके तो है लेकिन वो अच्छा है या बुरा वो आप आपके नज़रिए पर है, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। जैसे ये वाली जो हमने अगर वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी का जब हमने चेंज किया और गाया, तो कई लोगों को पसंद भी आई, कई लोगों को लगा हाँ ये भी एक अंदाज़ है, लेकिन कई लोगों को लगा ये तो गलत किया आपने, तो जगजीत साहब के गीत के साथ छेड़छाड़ करी, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो गीत सुदर्शन फाखर साहब का है, ठीक है, उसको अगर आपने उस अंदाज़ में गाया तो हम इस अंदाज़ में गा रहे हैं भाई, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं संगीत में, हम रटाना नहीं चाहते हैं, बस हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो आपको पुरानी बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, कि जो पुरानी आप बंदिशों में हो उसको तोड़ो, तब तो नए रास्ते खुलेंगे। आप अभी जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी रास्ते में आपके सामने इतने बंदिशें हैं कि आपको लगता है नहीं नहीं ऐसे चलना है, नहीं ऐसे चलना है, नहीं ऐसे चलना है। पहले वो बंदिशें हटानी होगी, तब तो मैं आपको नए रास्ते दूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुराने गीत जो आप गा रहे हो बदलो उनको, बदलो उनकी धुन और गाना शुरू करो एक बार, अपने ढंग से, अपने अंदाज में, अपनी अपना फलसफा लगाओ, अपनी फिलॉसफी, अपनी थ्योरी लगाओ उसमें कि नहीं मुझे तो इस गीत से ये फील आता है, मैं तो इस अंदाज में गाऊंगा इसे, है ना। क्योंकि शायर ने क्या सोच के लिखा आपको क्या पता, शायर तो ऐसे लिखते हैं कि हमें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या सोच के लिखा है। अगर वो शायर आपके रूबरू हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, आप जानते हैं उनको, तो फिर भी वो अपना फलसफा बता देंगे सोच के कि हाँ मैंने ये सोच के लिखा है ये गीत। वरना अगर वो शायर नहीं है इस दुनिया में, जैसे मिर्ज़ा गालिब की कोई भी गज़ल उठा लीजिए, अगर आपको लगता है आपके जो मानी आपको समझ आ रहे हैं, फिर आप किसी से समझिए कि इसके मानी क्या होने चाहिए, मीनिंग क्या होनी चाहिए इसके, अगर वो कोई समझदार जानकार आदमी है, तो फिर वो मीनिंग समझिए और अपनी बनाइए ना। अगर उन्होंने गा दी है जगजीत साहब ने कि हर एक बात पर तुम कहते हो कि तू क्या है, तो क्या हम उसकी धुन नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? हमें ऐसी लग रही, हम ऐसे में गाएंगे, वो वाली बात है। बस इस नएपन को एक्सेप्ट कीजिए। क्रिएटिविटी में सृजन जब आप करते हैं तो नया होता है, और नए के अलग अलग नज़रिए होते हैं, जिसको कई लोग सही बोलते हैं, कई गलत बोलते हैं। आप बस अपने नज़रिए पालिए, आप सही करिए, आप यूनिक कीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो पसंद आएगा। सृजन कीजिए, बस मेरा यही कहना है, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभावल की वीडियोज़। हम कोशिश करते हैं नए से नया कुछ बताते रहें, ऐसा कुछ बताएं जो किसी ने ना बताया हो, या ऐसा कुछ बताएं जिसको कहने से लोग डरते हैं, या ऐसा कुछ बताएं जो जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं किया, जिस पर लोगों ने काम नहीं किया। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि कुछ तो यूनिक हो संगीत में, कुछ तो हम इस विषय को भी देखे जाएं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो हमारी जो फिलॉसफी है ये पॉपुलराइज हो। थैंक यू।